विश्व हिंदू परिषद पर हिंदू समाज के साथ ही मुस्लिम समाज को भी भरोसा है। इसका उदाहरण रायपुर के वीएचपी प्रदेश मुख्यालय में देखने को मिला। रायपुर से आकाश शुक्ला की एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रायपुर के पंडरी में विश्व हिंदू परिषद का प्रदेश मुख्यालय, इसके परिसर में साल 2003 से अस्पताल चल रहा है, जहां हर समुदाय और धर्म के लोग इलाज कराने पहुंचते हैं। लेकिन खास बात यह है कि इस अस्पताल में मुस्लिम लोग ज्यादा संख्या में इलाज के लिए पहुंचते हैं। अस्पताल के मुताबिक इलाज के लिए हर दिन 120 से 150 मरीज पहुंचते हैं। संस्था का कहना है कि इलाज कराने वालों में लगभग 60% तक मुसलमानों की आबादी है। कभी 100, कभी 150, कभी 120 होते हैं, और यहाँ पर सभी प्रकार के लोग आते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन मुस्लिम लोग यहाँ 60% अरे ज्यादा ही होंगे, थोड़ा सा मने उनका वो रहता है, लाभ लेते हैं। हाँ, यहाँ पर मुस्लिम लोग भी लाभ लेते हैं। नर सेवा ही नारायण सेवा और मानव सेवा का उद्देश्य को लेकर के विश्व हिंदू परिषद संपूर्ण देश भर में काम करता है। उसी परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ में विश्व हिंदू परिषद कार्यालय में एक हॉस्पिटल का निर्माण किया गया, और वो हॉस्पिटल समस्त जनमानस की सेवा के लिए काम करता है। और सेवा करते हैं जब हम, धर्म नहीं देखते, संपूर्ण धर्म के लोगों का इलाज यहाँ पर किया जाता है। वहीं इलाज के लिए बीएचपी के अस्पताल पहुंचे अब्दुल जब्बार ने बताया कि अस्पताल में बेहतर इलाज के साथ निःशुल्क दवाएं दी जा रही हैं। बेहतर सुविधाओं और सेवा भाव को देखते हुए हम यहां इलाज के लिए आए हैं। अभी हम लोग आए थे हड्डी का चेकअप कराने के लिए। हाँ। तो सुविधा सही है। हाँ। और अच्छा इलाज होता है, अपने सुने हैं। हाँ। तो आज आए थे हम लोग। अच्छा। विश्व हिंदू परिषद अपनी उग्र हिंदू राजनीति के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके अस्पताल में इस उग्र राजनीति से इतर समर्पण और सेवा का भाव देखने को मिला।